अंकिता त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। कहा जाता है समाज में वृक्षारोपण से ज्यादा पवित्र और सामाजिक कोई दूसरा काम नहीं होता है। इसी कड़ी में कांग्रेस सेवा दल देवरिया के जिला कार्यकर्ताओं ने गौरी बाजार ब्लॉक के ग्राम सभा विनायक में वृहद पौधारोपण किया है। इसी अवसर पर देवरिया DFO प्रमोद गुप्ता भी मौजूद रहे। देवरिया में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता 19 जून से लगातार वृहद वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं। सेवा दल का लक्ष्य है कि समाज को फलदार और छायादार वृक्षों का लाभ मिले, जिसमें समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो। कांग्रेस सेवा दल ने बताया है कि पेड़ लगाने से ग्लोबल वार्मिंग को भी कम किया जा सकता है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हानिकारक तत्वों से भी हम बच सकते हैं। ये ग्राम विनायक में जो है एक सेवा दल द्वारा जो है कार्यक्रम पिछले कई दिनों से आयोजित किया जा रहा है वृक्षारोपण का, उसी की कड़ी में ग्राम विनायक में आज जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम था। तो यहाँ के विद्यालय है, इसी के परिसर में एक पीपल का पौधा लगा करके वृक्षारोपण किया गया है। और वैसे पूरे जनपद में 5 जुलाई को जो है वृहद स्तर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ था, लेकिन अच्छी बात ये रही, हमें जानकारी बहुत से लोगों ने उसके बाद भी पौधे लिए हैं और लगातार ये प्रक्रिया पिछले एक महीने से चल ही रही है कि विभिन्न स्तरों पर लोगों द्वारा जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम का मैं थोड़ा सा महत्व ये भी देना चाहूँगा कि हमने क्या एक गलतियाँ होती हैं पौधे लगाते समय छोटी छोटी, इन सब कई सारी चीज़ों पर भी ध्यान दिया गया, जिससे कि जो भी पौधा लगाया जाए उसको लगाने में कोई गलती ना हो, और गलती की वजह से कोई अगर पौधा मरता है तो निश्चित रूप से हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार की गलतियाँ दोबारा ना हों। देखिए, ये एक बहुत ही माना हुआ तथ्य है कि पेड़ पौधे हमारे लिए इस पूरे पृथ्वी पे सृष्टि में जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो सबसे आसान तरीका गंदी हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम माने, या और भी कई सारे विषैले तत्व हैं, उनको सोखने की जो क्षमता पौधों में और फिर उसको बदल करके ऑक्सीजन में चेंज करने की क्षमता जितनी एफिशिएंट है पेड़ पौधों में, उतनी किसी मशीन में नहीं है। एक तो एफिशिएंसी की बात है, दूसरा ये है कि सबसे लो कॉस्ट है। आप किसी भी मशीन से ऑक्सीजन बनाएं, उसकी तुलना में पेड़ पौधे ज़्यादा मतलब उससे कम लागत में जो है आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तीसरा चीज़ ये है कि पेड़ पौधों में बादलों को एक आकर्षित करने की भी क्षमता होती है। अगर किसी इलाके में पेड़ पौधे नहीं हैं तो अगर वहाँ पे पानी के बादल आते भी हैं तो बगैर बरसे आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर वहाँ पे पेड़ पौधों की संख्या अच्छी खासी है तो निश्चित रूप से वो बादल को वहाँ बरसना होगा। और हम सभी जानते हैं कि कितने भी प्रयास किए गए हैं, लेकिन आज भी किसानी हमारी ज़्यादातर बारिश के जल पर ही निर्भर है। इसके अलावा एक ग्लोबल वार्मिंग की घटना 20 साल पहले से चलता आ रहा है, उस समय काफ़ी लोगों के मन में संशय था कि वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई चीज़ है या नहीं है, लेकिन पिछले 20 वर्षों में जिस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ी हैं, जिस तरीके के परिवर्तन हुए हैं जलवायु में, अब किसी को कोई संदेह नहीं रह गया कि जलवायु परिवर्तन वास्तव में हो रहा है। और अगर हमें अपने विनाश को रोकना है तो उसको रोकने के लिए ये पेड़ पौधे ही हमारे काम आएंगे। पौधे हमारे हथियार हैं जलवायु परिवर्तन के खिलाफ। इनको जब तक हम चाक चौबंद नहीं करेंगे, इनको बृहद पैमाने पे नहीं उगाएंगे, तब तक हम इस लड़ाई को हारते जाएंगे, और हम किसी भी कीमत पे इस लड़ाई को हारना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम इस पेड़ पौधों के जरिए इस लड़ाई को जीतने की